जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस जीत रही है। जनता वोट करना चाहती है कांग्रेस को, और कांग्रेस के लोग भी जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। पहले महिला आरक्षण पे बीजेपी अगर इतना बड़ा मसीहा बनती है महिला आरक्षण कानून का, तो वसुंधरा राजे जी का भाषण करवा देते मंच से जब मोदी जी आए थे कि बीजेपी से लोग टूटकर हमारे पास नहीं आएंगे या हमसे टूट के कहीं और नहीं जाएंगे। ये तो पॉलिटिकल चॉइस होती है। अब कोई चॉइस किसी की क्या है उस पर मैं टिप्पणी तो कर नहीं सकती हूँ। ये दो ऐसे रोड़े डाल दिए मोदी जी ने कि किसी बहन को नहीं पता कि वो लोकसभा में और विधानसभा में कौन से सन में जाएगी। जीत सकते सरकार की, आपने बताया सरकार की योजनाएं ऐतिहासिक है, ऐसी योजनाएं जो देश में अन्य कहीं स्टेटों में नहीं है। अशोक गहलोत जी ने ये योजनाएं चलाई है, क्या चेहरा भी अशोक गहलोत जी रहेंगे? देखिए, आपके सेंसेशनल सवालों के लिए तो मैं यहाँ पर जवाब नहीं दे सकती। आप राजस्थान में सहप्रभारी हैं कांग्रेस की। देखिए, पार्टी अभी सरकार है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है, तो अभी सरकार है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने दीजिए, पार्टी की अपनी प्रक्रिया शुरू होने दीजिए, हमें चुनाव जीतने तो दीजिए। हम चुनाव जीत कर आएंगे, जनता अपने आप तय करेगी। आप भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री फिर से यात्रा निकाल रहे हैं, जरूरत है या उनको संशय है? देखिए, हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है। आप कोई चुनाव जीत भी रहे हो, हमारी पार्टी ने हमेशा एक चीज़ सिखाई है, तब भी उसको ऐसे लड़िए जैसे कि आपका वो अंतिम दिन हो सकता है और अंतिम चुनाव हो सकता है। ये तो अच्छी बात है कि रैलीज निकल रही हैं, पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, यात्राएं निकल रही हैं और कोई रुक नहीं रहा, काम कर रहे हैं। अब काम करने में और लगातार ज़मीन पर फील्ड पर रहने से भी अगर कोई समस्या है तो उसका जवाब तो नहीं है, लेकिन हमारे मन में इस बात के लिए कोई संदेह नहीं है कि पार्टी का जो इमेज है वो इस बार जो एक प्रक्रिया रही है 5-5 साल वाली, वो टूटने जा रही है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस में निश्चित रूप से पुनः हमारी सरकार बन रही है। आपके मंत्री लाल डायरी दिखा रहे हैं, आपके सांसद भाजपा में जा रहे हैं, कैसे होगा ये सब? देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है, आया राम गया राम चला रहता है, ये आप भी जानते हैं, आप भी इतने सालों से राजस्थान की पॉलिटिक्स देख रहे हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी से लोग टूटकर हमारे पास नहीं आएंगे या हमसे टूट के कहीं और नहीं जाएंगे। ये तो पॉलिटिकल चॉइस होती है। अब कोई चॉइस किसी की क्या है उस पर मैं टिप्पणी तो कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि चुनावी मौसम में, चुनावी रंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जनता के साथ ये बड़ी दुविधा है कि आया राम गया राम नेताओं के लिए आप कह रहे हैं, कौन से नेताओं में विश्वास करें कि दोनों तरफ नेता आया राम गया राम ही है जनता के हिसाब से? जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस जीत रही है। जनता वोट करना चाहती है कांग्रेस को, और कांग्रेस के लोग भी जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। मैडम, ये बीजेपी जो महिला आरक्षण लेकर के आई है, पहले महिला आरक्षण पे बीजेपी अगर इतना बड़ा मसीहा बनती है महिला आरक्षण कानून का, तो वसुंधरा राजे जी का भाषण करवा देते मंच से जब मोदी जी आए थे। मतलब पुरुष नेताओं ने तो उनके बड़ी बड़ी बातें कर दी महिला आरक्षण की, और अपनी ही महिला नेत्री को उन्होंने बोलने नहीं दिया। तो ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ खाने के कुछ। तो हमें इतना पता है कि महिला आरक्षण जो है वो राजीव गांधी जी की सोच से शुरू हुआ था इस देश के अंदर। आज पंचायतों में जब मैं कोई महिला सरपंच जीतती हुई देखती हूँ तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि आज महिला सरपंच इसलिए बन पाई क्योंकि कांग्रेस की सोच थी। तो महिला आरक्षण अपने आप में एक बहुत स्वागत योग्य कदम है, पर अधूरा है। दो कंडीशंस ऐसी लगा दी कि ये पता ही नहीं है कि हम बहनें कब चुनाव लड़ पाएंगी। ये देश में पहला ऐसा कानून बीजेपी ने पास किया है कि कानून तो पास कर दिया और कह रहे हैं कि अभी 10-15 साल रुको, इसका फ़ायदा आपको 10-15 साल बाद होगा। ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं बनता। कानून बना मतलब उसका फ़ायदा तभी के तभी मिलना पड़ता है। तो हम महिलाओं को ही क्यों इंतज़ार करना पड़ेगा 10-12-15 साल के लिए? तो ये फिर 10-12-15 साल बाद ही ले आते। डिलिमिटेशन और सेंसेस, ये दो ऐसे रोड़े डाल दिए मोदी जी ने कि किसी बहन को नहीं पता कि वो लोकसभा में और विधानसभा में कौन से सन में जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।